अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और आज मैं व्लॉग तैयार कर रही हूँ फिर से इफ्तारी का। और आज मैंने किचन में फैलाया हुआ है बहुत ढेर सारा काम, क्योंकि मैं कई दिन की तैयारियाँ एक साथ करते हुए चल रही हूँ। और अभी मैं एक साइड पर मैंने कढ़ाई रखी हुई है और मैं चॉपसी की तैयारी कर रही हूँ। बीच में मैंने चने उबलने के लिए रखे हैं और तीसरी साइड भगोने में मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं मटर पुलाव बनाऊँगी, चने बनाऊँगी और साथ में चॉपसी बनाऊँगी और बना कर रखूँगी आम पन्ना, क्योंकि आम पन्ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बच्चों को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है आम पन्ने की, फरमाइश उनकी बहुत रहती है। तो बस आम पन्ना भी बनाऊँगी। शिकमपुरी मुझे कबाब बनाने हैं, शिकमपुरी कबाब बनाने हैं, तो वो मैं कल बनाऊँगी। उसकी तैयारी मैं अभी से करके रख रही होती हूँ, क्योंकि भैया अगर काम फैल ही रहा है तो थोड़ा और कर लो अच्छे से, तो थकान नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने चॉपसी के लिए नूडल्स फ्राई करने के लिए रखे हैं, तो आज बनाएंगे चॉपसी। तो चॉपसी देखकर बच्चे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा खुश। साथ ही आज मैं बनाऊंगी थोड़े से पकोड़े। तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेन्यू में कुछ नहीं है, हाँ पकोड़े हैं, चॉपसी है और साथ में आम पन्ना होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, चने होंगे, बस फ्रूट चाट होगी, ये चार पांच ही चीज़ें होंगी। तो बस एक साइड मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, और उसके जो मसाला वगैरह है मटर डाल करके मैं भून चुकी हूँ। और यहाँ चॉपसी के लिए नूडल्स भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, और एक साइड पर ना मेरी चॉपिंग हो रही होती है, जो चने हैं उनके लिए भी मुझे चॉपिंग करनी है, फ्रूट चाट वगैरह भी। मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि भाई थोड़ी हेल्प कर दो, और माशाल्लाह दोनों बच्चे लगे हुए हैं, उनसे जैसी भी फ्रूट चाट तैयार होगी। और साथ ही जो है ना, मेरे जो आम पन्ने की तैयारी है वो भी मैंने करनी है, क्योंकि आम पन्ना ना मैंने बताया कि ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, और बच्चों को आम पन्ना बहुत पसंद आया है। और तरबूज का जो शरबत है वो भी, मिंट मार्गरेट तो इतना उनका फेवरेट हो गया, लेकिन जो आम पन्ना है वो मैं खुद सोच रही होती हूँ कि भैया आम पन्ना पियो, क्योंकि गर्मी है, रोज़े में लू वगैरह का असर ना हो, क्योंकि खाली पेट और ज़्यादा जो है पानी की कमी भी रहती है, तो लू लगने का ज़्यादा डर रहता है। तो इस वजह से मैं आम पन्ना ढेर सारा बना कर रखती हूँ। बच्चे खेल कूद कर आ रहे होते हैं तो पी लेते हैं, और रोज़े में हैं तो पी लें, जैसे भी सही लगे बच्चों के लिए फ्रिज में बना कर रख दिया करें। मैं भी इसी तरह रख लेती हूँ, यही नहीं कि रोज़े रमज़ान में, आम ज़िंदगी में भी जो है गर्मियों के दिनों में मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो अब हमारे यहाँ पर आलू और प्याज के पकौड़े जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, और बस जल्दी से मैं शिकमपुरी कबाब की तैयारी करूँगी, जो कि मैं आज नहीं बनाऊँगी, गोश्त तैयार करके रख लूँगी इंशाल्लाह, कल हम शिकमपुरी कबाब बनाएंगे। और बस तैयारियां जल्दी जल्दी चल रही हैं। चावल भी जो है ना मेरे जल्दी से दम पे लगाना है मुझे, और कढ़ाई को ट्रांसफर करूंगी तेज फ्लेम पर, जिससे कि काम थोड़ा सा फास्ट हो जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत ढेर सारे काम है और मुझे टेंशन हो जाती है जब चूल्हे मेरे खाली होते हैं। अभी एक चूल्हा खाली है और मुझे शिकमपुरी कबाब की भी तैयारी करनी है, और दूसरा हाथ मेरा चल रहा है जो मेरे उबले हुए आम रखे हैं ना, उनका मुझे बनाना है आम पन्ना, तो वो भी छील रही हूँ, और साथ साथ उनका पेस्ट बनाना है। तो अब मैं यहाँ पर फ़ोन भी मेरे बार बार आ रहे हैं, और अब मैंने रखा है यहाँ पर अपना प्रेशर कुकर, जल्दी जल्दी उसको साफ़ किया है, और मैं इसमें बनाने वाली हूँ शिकमपुरी कबाब के लिए शामी कबाब का मसाला। जो शिकमपुरी कबाब होते हैं, रेसिपी मैंने शामी कबाब की दी हुई है, सिंपल उसमें जो है स्टफिंग करी जाती है, किस चीज़ की करी जाती है इंशाल्लाह ये मैं कल बताऊंगी। अभी मैं शामी कबाब के लिए तैयार कर रही हूँ गोश्त। तो भाई यहाँ पर मैं कबाबों के लिए गोश्त डाल रही हूँ, साथ में दाल डालूंगी, और फ़ोन कॉल्स ना मुझे डिस्टर्ब करे जा रही हैं। साथ ही अभी मैंने तेज़ फ्लेम पर कर दिया है पकौड़ों की कढ़ाई को, और लो फ्लेम पर दम पे रख दिए चावल। तो बस अब चलते हैं और डाल देते हैं जल्दी से इस प्रेशर कुकर में मसाले, गोश्त दाल और मसाले। जब ये गल कर तैयार हो जाएंगे, शामी कबाब का पेस्ट हम तैयार करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं बताऊँगी कि हम शिकमपुरी कबाब कैसे बनाते हैं। तो बस यहाँ पर मसाले वसाले डाल दूँगी, और अभी जो है ना मेरे पकौड़े भी आप देख रहे हैं मीडियम फ्लेम पर पक रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनहरे सुनहरे, और बस अभी धीरे धीरे ना मेरा किचन फैलता जा रहा है, और मुझे साथ साथ उसे संभालना भी हो रहा है, लेकिन मैं
जितनी कोशिश हो रही है कर भी रही हूँ। तो बस अभी जो है मैं ब्लेंड कर लूँगी जो मैं हमारे आम पन्ने का पीसेस वगैरह मैंने तैयार करके रखे हैं। करीब मैंने 1 किलो आम इस बार मैं तैयार कर रही हूँ आम पन्ना। पिछली बार मैंने आधा किलो बना कर रखा था, आधा किलो आम का, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। और अब मैंने 1 किलो आम लिए हैं तो थोड़ा सा आज उसमें भी टाइम मुझे लगेगा। जल्दी जल्दी से पकौड़े तल लेते हैं, फिर मैंने इसी कढ़ाई में चने फ्राई करने हैं और इसी कढ़ाई में फिर मैंने साफ करके जो हमारी चॉपसी है वो हमने तैयार करनी है। नूडल्स हमारे तैयार होके रखे गए हैं। साथ साथ सहरी की भी तैयारियां मुझे अभी कर लेनी होती है, नहीं तो बहुत परेशानी होती है कि स्पेशली जो है ना उठकर आए किचन में, क्योंकि रोज़ा इफ्तार करने के बाद मेरा तो भाई बिल्कुल दिल नहीं होता कि मैं उठूं। और मेरा ये होता है कि बस किचन में मैंने बर्तन फटाफट साफ करे और मैं ना थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद जो है एक तो फ़ौरन ही मगरिब का वक्त हो जाता है तो नमाज़ पढ़ कर के ही हम लोग फ़ौरन ही खाना खा लेते हैं और उसके बाद फ्री हो जाते हैं। जब तक कि ईशा का वक्त ना हो तो आराम कर लो और फिर आराम से ईशा की नमाज़ पढ़ो, तरावी वगैरह जो भी कुछ करना है अपना, फिर बेफिक्री रहती है अगर हमारा सारा कुछ तैयार हो। उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं, मुझे रात में दही भी जमाना होता है तो मैं रात के वक्त जब फारिग हो जाती हूँ हर काम से तो मैं फिर दही वगैरह जमाती हूँ सुबह के लिए, अगर सवैया वगैरह कुछ भिगोना है तो वो भी मैं उसी वक्त कर रही होती हूँ। तो 2-4 काम होते हैं, फिर मुझे ये नहीं रहता कि भाई अभी मुझे सहरी के लिए कुछ ना कुछ सालन वगैरह बनाना है, तो कुछ मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसी वक्त आकर के मैं सारा जो भी जितना भी मेरे से निमट रहा होता है मैं निपटा लेती हूँ। बस अभी मैं फटाफट से ना जो हमारे छोले हैं वो मैं फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ जो छोलों के लिए प्याज वगैरह काटे हैं वो भी एक साइड में रख चुकी हूँ। पकौड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं, अब इंशाल्लाह छोले भी जल्दी से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैंने करनी है जल्दी से चॉपसी की तैयारी और साथ साथ अब मैंने वेजिटेबल्स भी चॉप करने लगा दी है। और अभी जो है ना मेरा जो आम पन्ना है वो भी मैंने सामने भगोना रखा है, उसमें छान करके उसे तैयार करके रख दिया। बहुत मुझे बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा वेजिटेबल्स भी सारा कुछ साथ साथ चॉपिंग चल रही होती तो उससे बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और अगर मैं पहले स्पेशली बैठूं कि 1 घंटा मुझे चॉपिंग करनी है तो यकीन करें जितना टाइम हमें किचन में लग रहा होता है उससे दुगना टाइम हमें लग जाता है। मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा फैल जा रहा होता है और संभालना मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश और थोड़ा सा आप एफर्ट डालेंगे तो इंशाल्लाह साथ साथ सारे काम निमटते जाते हैं और आसान हो जाता है। तो ये चॉपसी में भी हमने सारे जो है वेजिटेबल्स वगैरह डाल दी। तो चॉपसी बनाने के लिए मैंने वैसे तो वीडियो अपलोड करी हुई है, आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ और अगर आपको डिटेल में चेक करना है तो आपको वीडियो मेरे पेज पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़े से ऑयल में सबसे पहले जिंजर गार्लिक फ्राई किया, उसके बाद चॉप्ड वेजिटेबल्स डाली हैं, फिर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा विनीगर डाला है, थोड़ा सा इस वक्त मैंने जो है चीनी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और बस इसको अब हमने जो है ना पानी डाल लेना है। फुल फ्लेम पर ही जो ये खाने होते हैं थोड़ा सा फुल फ्लेम पर ही पक रहे होते हैं और सब्जियों को गलाना नहीं है, क्रंच रहना चाहिए उसमें थोड़ा सा। तो यहाँ पर करीब मैंने 2 कप पानी डाला है और अब मैं इसमें कॉर्नस्टार्च डालूंगी और इसे हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे और बस फिर हम सर्व करेंगे और मैं आपको सर्व करके भी दिखाऊंगी। बस अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा शरबत के लिए बना रही हूँ आम पन्ना और ये देखिए मेरे भगोने में मैं चम्मच चला रही हूँ क्योंकि भैया साथ साथ देखिए मैंने वेजिटेबल्स वगैरह भी समेटते चल रही हूँ। और अभी मैंने जग में डाल दिया है थोड़ा सा आम पन्ना और इसमें मैं बस अब मैंने पानी मिलाना है और कुछ नहीं ऐड करना। अगर आपको चीनी हल्की लग रही है तो चाशनी मेरे पास पकी रहती है तो वो हम इफ्तार करते वक्त थोड़ी सी चाशनी की बॉटल अपने साथ रख लेते हैं, जिसको चाहिए होता है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चाशनी डाल सकता है, मीठा ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने चॉपसी में भी ना कॉर्न स्टार्च घोल कर डाल दिया
और अब ये अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, उबाल आ जाएगी और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो बस अब मेरे पकौड़े, चने और चॉपसी और मेरा जो है आम पन्ना तैयार हो गया है, और कबाब मेरे जो है गल कर हो गए हैं, ये मैंने बाद में कर लेना है, इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। और जो मटर पुलाव है वो भी तैयार है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा जो है ना क्या कहते हैं फ्रूट चाट भी बच्चे तैयार कर ही रहे हैं। आज मैंने बच्चों को ड्यूटी लगाई है, और अक्सर माशाल्लाह बच्चे हेल्प कर देते हैं, सहूलत हो जाती है, क्योंकि जब हम काम इतना ज़्यादा फैला रहे होते हैं और कोई हेल्प के लिए ना हो तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। मैं तो रोज़ ही इसी तरह फेस कर रही होती हूँ, लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे थोड़े इतने हो गए हैं कि थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं तो वो करते हैं। तो बस अब मैं फटाफट से बस दस्तरखान तो बच्चे ही लगाएंगे, तो मैं आज यहीं पर ही व्लॉग पूरा करूँगी। तो ये चॉपसी भी हमारी चली गई, अब जो है मैं जूस भी जो हमारा आम पन्ना है वो भी तैयार कर लूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ ये सादा सा जो मेरा व्लॉग है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है, मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में दोबारा से कह रही हूँ याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।